अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मिक्स वायरल टीवी। बात करते हैं जी इंडिया के मशहूर तरीन एक्टर जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हो गए। नंबर एक शर्मिला टैगोर, 1967 और 68 के दौर में शर्मिला टैगोर और नवाब पटौदी मंसूर अली खान की मोहब्बत परिंदों की कहानी बहुत मशहूर थी। जोड़े की शादी 27 दिसंबर 1968 को हुई। इतलात के मुताबिक शर्मिला टैगोर ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपनी मोहब्बत से शादी करने के लिए अपना नाम बदलकर बेगम आयशा सुल्ताना रख लिया। इस जोड़ी के 3 बच्चे हैं, सबा अली खान, सैफ अली खान, सोहा अली खान। नंबर 2 अमृता सिंह, एक सिख खानदान से ताल्लुक रखने वाले बॉलीवुड अदाकारा अमृता सिंह ने भी अपनी ज़िंदगी की मोहब्बत सैफ अली खान से शादी करने से पहले मज़हब तब्दील कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 साल की अजवाजी ज़िंदगी के बाद दोनों ने इलादगी इख्तियार कर ली। जोड़े के 2 बच्चे थे, इब्राहिम अली और सारा अली खान। सैफ अली खान अब करीना कपूर से शादी कर चुके हैं और इनका एक बच्चा जिसके नाम तैमूर अली खान है। नंबर 3 हेमा मालिनी, 90 की दहाई की मशहूर अदाकारा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने शोहर धर्मेंद्र के साथ मिलकर शादी करने के लिए अपना मज़हब तब्दील कर लिया था। दोनों फनकारों का ताल्लुक असल में हिंदू पस मंजर से था और चूंकि हिंदू मज़हब के मुताबिक कोई भी दोबारा शादी नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने अपना मज़हब तब्दील करने का बड़ा इकदाम उठाया। इतलात के मुताबिक धर्मेंद्र पहले ही शादीशुदा थे। जोड़े ने अपना नाम बदलकर बिलतरतीब दिलावर खान, केवल कृष्ण और आयशा बी आर चक्रवर्ती रख लिया। 1979 में शादी कर ली। नंबर 4 आयशा टाकिया, अदाकारा आयशा टाकिया और इनके खानदान में मज़हब के हवाले से एक मुतारक तब्दीली आई। आयशा टाकिया के वालदा का ताल्लुक एंग्लो इंडियन पस मंज़र से है, जबकि इनके वालिद हिंदू मज़हब की पैरवी करते हैं। दूसरी तरफ आयशा ने फरहाना आजमा से शादी करने के लिए खुद को मुसलमान बना लिया। नंबर 5 दीपिका काकड़ इब्राहिम, ससुराल समर का शहरत पाने वाली दीपिका काकड़ इब्राहिम ने पहली शादी एक पायलट रौनक सैमसन से की, ताहम वो 2015 में बहुत कम अरसे में अलग हो गए। इसके बाद वो शुएब इब्राहिम से प्यार करती हैं, जो खुद ससुराल का समर का के सेट इसके साथी अदाकारा थे। जोड़े ने इस्लाम कबूल करने के बाद शादी कर ली और अपना नाम फायजा रख लिया। नंबर 6 राखी सावंत, राखी सावंत इस फहरिस्त में ताज़ा तरीन इजाफा है। इसने अपने नाम के साथ फातिमा लगाने के बाद इसने अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान दुरानी से शादी कर ली। इसने मज़ीद खुलेआम इतराफ़ किया कि इसने अपने बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड आदिल से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया। नंबर 7 वेवन डेसाना, नंबर 7 भारतीय अदाकार वेवन डेसाना ने इस्लाम कबूल कर लिया। भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक वेवन कुछ अरसे से लाइमलाइट से दूर थे, जिसकी वजह से इनके मज़हब के इंतखाब के हवाले से अफवाहें गर्दिश कर रही थी। इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्होंने 2019 में रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीने में इस्लाम कबूल किया था और तब से वो मज़हब की पैरवी कर रहे हैं। मेवन ने वजाहत की कि इनके इस्लाम कबूल करने से इनकी ज़िंदगी में आम तब्दीलियां आईं। वो एक ईसाई पैदा हुआ था, लेकिन अब वो इस्लामी अकीदे की पैरवी करता है। इसे दिन में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने में सुकून मिलता है और इसे एक ऐसा अमल जिसने इसे अपना बेपनाह सुकून और इत्मीनान बख्शा है। अदाकार ने अपनी दूसरी शादी पर भी खामोशी तोड़ते हुए इंकशाफ किया कि उन्होंने तकरीबन 1 साल कबल मिस्र में एक मुबाशरत तकरीब में मिस्र की सबका सहाफ़ी नूरान अली के साथ शादी की थी। अब वो एक 4 माह की बेटी के काबिल फ़ख्र बाप हैं, जिसका नाम इसने लियान वेवन डेसाना रखा है। काम के महाज पर डेसाना को मकबूल टीवी ड्रामों बशमोल प्यार की एक कहानी मधुबाला शक्ति और सरतों में इनकी अदाकारी के लिए सराहा गया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।